नमस्ते एवरीवन। बीट रूट जितना हेल्दी है खाने में, बट उसको खाने के ऑप्शंस उतने ही कम हो जाते हैं अपार्ट फ्रॉम जस्ट जूस और सैलड। तो आज की रेसिपी में मैं आपसे शेयर करूंगी बीट रूट मटर पुलाव। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं इसको बनने के लिए और बहुत ही डिलिशियस एंड हेल्दी है एट द सेम टाइम। देखने में भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं और बहुत ही अच्छी ऑप्शन है अगर आप कुछ भी लाइट लंच या डिनर करना चाहते हो। सबसे पहले एक खुली सी कढ़ाई ले लें जिसका माउथ ओपन हो, और उसमें मैं ऐड करूंगी 3 से 4 चम्मच ऑयल। आप चाहें तो यहाँ देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच राई, छोटी बारीक वाली जो राई होती है वो, 1 मीडियम प्याज बारीक पतला पतला लंबा कटा हुआ, और ऑलमोस्ट 8 से 10 कड़ी पत्ते की लीव्स। कड़ी पत्ता अगर नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, बट इसमें जीरा नहीं डलेगा। अब हम इसे लाइट ब्राउन होने तक, अच्छा धीरे आंच पे इसको हम फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी मटर। ये फ्रोज़न मटर लिए हैं मैंने, आप चाहें तो फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा नमक। नमक ऐड करने के बाद अगेन इसको मैं 3 से 4 मिनट थोड़ा सा फ्राई और कर लूँगी ताकि मटर अच्छे से फ्राई हो जाए। और अच्छे से फ्राई होने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑलमोस्ट आधा ग्लास पानी, और इसके बाद इसे मैं ढक कर पकाऊंगी नेक्स्ट 3 से 4 मिनट के लिए ताकि हमारे मटर हैं वो अच्छे से गल जाएं। एक पतीले में अच्छे से आप वॉश कर लें 1 कटोरी चावल को। यहाँ मैंने बासमती राइस लिया है और उसके बाद मैंने इसे भिगोया है कम से कम आधे घंटे के लिए। ज़्यादा नहीं भिगोएंगे अदरवाइज ये टूट जाएंगे। करेंगे आधा चम्मच नमक, और उसके बाद जैसे नॉर्मल चावल बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही हम चावल को रेडी कर लेंगे। दूसरी तरफ अब हमारे जो मटर हैं वो अच्छे से गल भी चुके हैं और अनियन बहुत अच्छे से कैरामलाइज होने की वजह से ब्राउन गोल्डन सा कलर आ गया है इसमें। बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और चावल को बनने के बाद थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। बनने के बाद आपके कुछ इस तरीके से दिखेंगे। बिल्कुल गर्म चावल यूज़ नहीं करने हैं, हल्का सा ठंडा होने का वेट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ ही रखेंगे और चावलों को ऊपर से बिखेरते हुए हमें तड़के के ऊपर ऐड करना है। उसके बाद मैं लूँगी 1 मीडियम साइज़ का बीट रूट यानी कि चुकंदर। उसे धो के अच्छे से उसे ग्रेट कर लिया है मैंने छिलका उतारने के बाद, और उसके बाद अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे हल्के हाथों से। चावल टूटने नहीं चाहिए, खुले और हल्के हाथों से उसे मिक्स करें। बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक, रानी पिंक, मजेंटा सा कलर आ जाता है और खाने में बहुत डिलिशियस होते हैं ये। बस हो गए हैं आपके पुलाव रेडी। आप इसे सर्व कर सकते हैं किसी भी तरह के रायते के साथ, प्लेन कर्ड के साथ, या फिर आप इसे इतने इतने डिलिशियस हैं कि इसमें आप बस गरम गरम देसी घी ऐड करें 1 से 2 चम्मच और ऐसे ही खा सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से कर लें, और उसके साइड में जो बेल का आइकन है टिन 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 उसे ज़रूर प्रेस करें फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। बहुत जल्दी मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।